अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखो और जीतो। मैं हूं मिसबा सईद, इस वक्त मौजूद हूं अमाना मॉल में। काफ़ी रश है लेकिन लोग बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए मैं लूँगी लोगों की जहानत का इम्तिहान, और आप कितने जहीन हैं इसका फैसला आप प्रोग्राम देखिए और ख़ुद कीजिए। मैं पूछूंगी लोगों से सवाल, जानूंगी जवाब, और दुरुस्त जवाब देने वालों के लिए कोहिनूर लेकर आया है गिफ्ट हैम्पर। और जो लोग मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे मैं बताऊँगी प्रोग्राम के आखिर में उन तमाम सवालों के जवाब। इसके साथ साथ कोहिनूर आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी दे रहा है। आप अच्छा बोल सकते हैं, आप अच्छा गा सकते हैं, आप में मिमिक्री अच्छी करते हैं, आप पैरोडी अच्छी करते हैं, हर वो टैलेंट जो आप समझते हैं कि आप अच्छा और बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो आइए आप हमें दिखाइए, हम दुनिया को दिखाएंगे। तो आए मेरे साथ, लोगों से करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइएगा अपना। उजाला। क्या करती हैं उजाला? आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो तो नज़र भी आ रहा है। थैंक यू। इसके अलावा क्या करती हूँ? इसके अलावा फ़िलहाल यही करती हूँ, और कुछ नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता कुछ और करने का, बिजी जॉब, तो इसलिए। अच्छा, तो किसके साथ आई हैं यहाँ पे? मैं अपने फादर के साथ आई हूँ और मेरी कज़न्स हैं दो। तो कज़न्स किधर गायब हो गई हैं? वो इधर ही हैं, शूट में बिजी हैं। ये तो है, सेल्फी का जुनून है ना सबको, टिकटॉक का। यस एग्जैक्ट। ये बीमारी आपको भी है? हाँ जी। ये पूरे पाकिस्तान को लाहक है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, सवाल पूछूं आपसे? ज़रूर पूछिए। चलिए आसान सा सवाल पूछते हैं। ये बताएं कि शहद की मक्खी की आंखें कितनी होती हैं? दिखती तो दो ही दिखती तो दो ही हैं, लेकिन दो नहीं होती। आई गेस फोर, नहीं टू। चलिए ऑप्शन देती हूँ, ऑप्शन दे दूँ? दो, चार, छः, आठ। चार। ये ना बाबा पीछे से बता रहे हैं, लेकिन पता नहीं अब जवाब सही है कि गलत है। ये हम जब कॉन्फिडेंस से बताएंगी ना, फिर मैं बताऊंगी कि सही है या गलत है। फोर। फोर कन्फर्म या आई थिंक अभी भी है? फोर 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 फोर। उजाला जवाब गलत है। चलो थैंक यू। बहुत बहादुर बच्ची है अपनी, उस पर कह रही है थैंक यू। क्या है इसका जवाब? जवाब तो अब मैं प्रोग्राम के आखिर में बताऊंगी। अच्छा, मेरा फोर ही है फिर भी। आपका फिर भी फोर ही है? मैं प्रोग्राम के आखिर में बताऊंगी इसका जवाब क्या है। जरूर जरूर, फोर। और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे। थैंक यू सो मच, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू, बहुत अच्छी लेडी थी जी, बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके। आइए मजीद लोगों से बात करते हैं। एक और फैमिली दिखाई दे रही है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। नाम बताइएगा? मेरा डॉक्टर इरम। डॉक्टर इरम, डॉक्टर है माशाल्लाह। आपका नाम? मोमना अली। मोमना अली। आपका? अली बिलाल। अली क्या करता है और मोमना क्या करती हैं और मदर क्या करती हैं, ये तो वन बाय वन ही पूछती हैं। क्या करती है अली? मैं क्लास फाइव में होता हूँ, LGS। क्लास फाइव के स्टूडेंट हैं। मोमना आप? मैं नाइन्थ की, गिफ्ट स्कूल। साइंस है, आर्ट्स है? साइंस। साइंस सब्जेक्ट है जी। मदर क्या करती हैं आप? आई एम वर्किंग एज अ सिस्टम कोऑर्डिनेटर इन लैब स्कूल सिस्टम, एंड आल्सो वर्किंग एज अ ट्रेनर। आई ऑलवेज कंडक्ट टीचर्स ट्रेनिंग एंड मदर्स वर्कशॉप आल्सो। ओके, एक्सीलेंट। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? यू कैन। व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? माय जनरल नॉलेज इज एक्चुअली नॉट सो गुड। नॉट सो गुड। चलें आसान सा सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है? अली बताएंगे? चले अली से पूछ लेते हैं, मामा तो अली की तरफ इशारा कर रही हैं, अली से पूछ लेते हैं। अली, शहद की मक्खी की आंखें कितनी होती हैं? दो। दो? दो होती हैं? अच्छा, कभी देखा शहद की मक्खी को गौर से? कभी भी नहीं देखा। अली को लग रहा है कि उसकी आंखें दो होती हैं, तो सबकी दो ही होती हैं। मोमना से पूछते हैं जी। मोमना, उसकी दो ही होती हैं? उसकी दो ही होती हैं क्या? चले मामा से पूछते हैं जी, बताइएगा। ऑब्वियसली दो ही होंगी। नहीं, दो नहीं है। तो होती नहीं है, आंखें ही नहीं होती, इसलिए वो शहद, आंखें नहीं होती इसलिए वो शहद बना लेती है। चले कोई मसला नहीं है, जवाब नहीं आया तो इट्स ओके। शेयर का करना चाहेंगे हमारे साथ?
कुछ भी नहीं, बस स्टूडेंट्स के लिए है कि वो इस तरह से रहें कि वो एक रिस्पेक्टफुल और रिस्पेक्टेबल सिटीज़न बन सके, ताकि हमारा कंट्री जो है वो आगे सक्सेसफुल हो सके। बहुत अच्छा मैसेज स्टूडेंट के लिए। वो कहते हैं कि बा अदब बा नसीब और बे अदब बे नसीब। बहुत अच्छा मैसेज था, मुझे अच्छा लगा बात करके। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। जी तो एक और बड़ी प्यारी सी फैमिली नजर आ रही है, उनसे बात करते हैं। बड़े प्यारे प्यारे बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है गुड़िया? अजवा। क्या नाम? अजवा। अजवा। और आपका? अहमद। और आपका? अब्दुल वहाब। और आपका? हेरा। हेरा। और फादर का? बाबर। क्या नाम है? बाबर। बाबर। जी ठीक हो गया। क्या करती हैं आप? अजवा आ गया हो? फोर क्लास में पढ़ती हूँ। फोर क्लास में पढ़ती हो। चलो आप मुझे ना वन बाय वन आपने बताना है कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है? फाइव। और आप? फाइव। फाइव। फाइव एक ही क्लास में पढ़ती है दोनों? जी जी। अच्छा अच्छा। एबटाबाद से कौन आया है? ये दोनों एबटाबाद से आए हैं जी। एबटाबाद में ठंड बहुत ज्यादा होती है? बहुत। बहुत होती है जी। बहुत ठंड होती है जी। बर्फ भी पड़ती है जी। और लाहौर में अब सर्दी लग रही है? नहीं नहीं लग रही ना। नहीं। चले जी। अच्छा मुझे ये बताएं क्या पोएम किसको आती है? क्या आता है किसको? क्या आता है वो खुद बताएगा। आपको क्या आता है? इरम को क्या आता है? पोएम। पोएम आती है। चले जी पोएम सुनते हैं। आ जाओ आगे आओ इधर आओ। चलो सुनाओ, कैमरे की तरफ देख के सुनाओ ना। डर क्यों रही हो? रिलैक्स होके खड़ी हो जाओ, सुनाओ। जॉनी जॉनी यस बाबा, ईटिंग शुगर नो बाबा, नाइट अबाउ मे नो बाबा, नाइट अबाउ मे हा हा हा। बस इरम ने पोएम तो सुनाई है लेकिन बहुत ही स्लो आवाज में। चले जी हम अजवा से सुनते हैं। अजवा आ गया हो? चलो सुनाओ। Five little monkeys jumping on the bed, one fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. Four little monkeys jumping on the bed, one fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. Three little monkeys jumping on the bed, one fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. Ajwa, very nice. आप क्या सुनाएंगे? Twinkle twinkle. आगे आओ, क्या सुनाओगे? Twinkle twinkle. चले जी twinkle. Twinkle twinkle के अलावा कोई poem आती है? मैं जिस बच्चों से बात करती हूँ क्या सुनाएंगे twinkle twinkle. चले twinkle twinkle के अलावा क्या आता है? जी हाँ वो देखे पीछे से कह रहा है कोई गाना वाना आता है। आपको आता है गाना वाना? चले आए जरा गाना वाना, मैं गाना वाना सुनूंगी आपसे। ये गाना वाना आप बताएं। मैं पहला कलमा सुनाऊंगा। चले जी सुनाएं। पहला कलमा तैयब तैयब मैंने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। छोटे क्या नाम है? हूर अब्बास। और आपका? नदीम अब्बास। क्या करते हैं? मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ। टेक्सटाइल में उसमें करता हूँ, प्रोसेसिंग में जॉब करता हूँ। शॉपिंग करने के लिए आए? बस बच्चों को खिलाने आए थे कुछ। इसका स्कूल जाते हो? रोते तो नहीं हो? नहीं। पक्की बात है? पापा से पूछूं? पूछ ले। ठीक है। नहीं बहुत अच्छा बच्चा है, डिसिप्लिन्ड है। सुबह फ्रेश होके नहा के हम सबसे पहले उठते हैं ये, माशाल्लाह खुद रेडी होता है और बड़ी खुशी स्कूल जाता है। बहुत अच्छी बात है, वरना तो अमूमन ऐसा ही होता है कि बच्चे सुबह जाते हुए स्कूल तंग करते हैं, तो ये तो बहुत अच्छा बच्चा है। अब सुनाओगे क्या हमें? आ गया हो? क्या सुनाने लगे हो? ऐदे वफा का। क्या? ऐदे वफा का गाना। चलो जी सुनाओ फिर। हाँ याद है वो दोस्ती का हर मजा, मोहब्बतें वो रौनकें वो मस्तियाँ, लगा के शर्त वो जिंदगी की हर कोई, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी, ओ मेरे यारा तेरी यारियाँ होंगे ना जुदा, दिल का दिल से हुआ है अहद वफा। वाओ मैंने भी इंजॉय किया, अच्छा लगा, अच्छा बच्चा था और अहदे वफा का बहुत अच्छे से सॉन्ग भी सुनाया। चले मजीद लोगों से बात करते हैं। जी एक बड़ी प्यारी सी फैमिली नजर आ रही है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मारिया सलीम है। और आपका? नेहमिया सलीम। और आपका? सना। जी मिस आपका?
मैं मिसेस सलीम अनायत, गुलनाज सलीम। जी जी। अच्छा, तो आपस में रिलेशन क्या है सबका? ये मेरे बच्चे हैं। अच्छा माशाल्लाह, ये सारे बच्चे हैं? सारे तो खैर नहीं, दो बेटियां एक बेटा, यही बच्चे हैं बस? और बड़ा बेटा गया वो ऊपर टिकट्स लेके, हम एक्चुअली ड्रामा देखने आए हैं। अच्छा, एंजॉय करने आए हैं ऐसा कहे ना? जी जी। तो क्या क्या करती, क्या हाउसवाइफ हैं आप? हाउसवाइफ। और आप क्या करती? मैं एफएससी कर रही हूँ। इसमें इंजीनियरिंग है या मेडिकल? मेडिकल। डॉक्टर बनने का मुस्तकबिल में इरादा? जी जी। ह्यूमैनिटी को सर्व करने वाले डॉक्टर बनना आप? जी। क्या इरादा है, स्पेशलाइजेशन किस में करनी है, कौन सा डॉक्टर पसंद है, किस में करनी है प्रोफेशन? मुस्तकबिल के डॉक्टर ने तो पता होना चाहिए ना कि मैंने किसका स्पेशलिस्ट, किस में बनना? मैंने गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट जी, बहुत। और आप? मैं ओ लेवल्स कर रही हूँ। ओ लेवल कर रही हो? अच्छा ठीक है, वेरी नाइस जी। क्या शेयर क्या करोगी? मैं सॉन्ग गाऊंगी। सवाल पूछूं या रहने दूं? पूछ ले, आपकी मर्जी। मेरी मर्जी है फिर, मैं तो पूछूंगी। चले मैं आसान सा सवाल पूछूंगी, ठीक है? ये मुझे बताना है कि शहद की मक्खी की आंखें कितनी होती हैं? दो। दो? दो में बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब छोटे छोटे बहुत ज्यादा होते हैं। छोटी छोटी दो आंखें हैं, उनमें छोटी छोटी बहुत ज्यादा आंखें होती हैं, सही है? आई थिंक सो। आई थिंक सो। नहीं जी। चले शेर क्या करेंगी? मैं सॉन्ग गाऊंगी जरूर। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो, ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। वाओ, बहुत अच्छा, आवाज भी अच्छी है। क्या आप क्या शेयर करोगे? मैं भी गा लूंगा। यही वाला? नहीं कोई और वाला? ठीक है चले जी। कौन सा गाओ? तेनु तकिया ओशे भूल गए, गरम गरम चा हथते डुल गई, हथते डुल गई चा सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, जानती जानती दस दी जा तू, दिल दे विच की तेरे, दिल दे विच की तेरे, विसुरिया उचिया दीवारा रखिया, इस दिल दे चार सवेरे, दम सब के रख दिया, कोई दिल चढ़ा ला ले डेरे, ते मेरा पहला भी दिल टूटिया, हाय टूटिया तेरा एक बारी, दम दिल दी दीवारा ते तू एक रब रावी वारी। वाह, पूरा सॉन्ग याद किया हुआ है। आप क्या शेयर करेंगी? कुछ भी। और मामा कुछ कहना चाहेंगी, कुछ मैसेज देना चाहेंगी तो आ जाए जी, मामा मैसेज लेते हैं। बस ये कि हमारी हाउसवाइफ जो होती है उनकी सारी लाइफ सुबह से शाम तक बच्चों के कामों में गुजर जाती है, और आज हम थोड़ा सा वो ड्रामा देखने आए हैं क्योंकि उसकी लास्ट एपिसोड है, तो हमारे लिए इंजॉयमेंट का मोमेंट है इस टाइम। थैंक यू जी। जी बहुत अच्छा मैसेज है कि जो घरेलू खवातीन होती हैं तो उनका सारा वक्त जो है वो घर के कामों में गुजर जाता है, तो हमने सोचा कि मसरूफियात से टाइम निकाल कर जो है वो इन्जॉय किया जाए, तो बहुत अच्छी बात है। आप भी घरों से निकले, काम करके आप भी थक जाती होंगी यकीनन, तो आप भी आएँ इन्जॉय करें, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। जी तो बड़ी प्यारी सी लेडीज यहाँ पे नजर आ रही हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइएगा? सईदा। और आपका? अस्मा चौधरी। अस्मा चौधरी। और आप? निदा। निदा, सबका रिलेशन क्या है आपस में? हम कजन्स हैं, और सबसे मेन बात ये है कि हम फ्रेंड्स हैं आपस में। फ्रेंड्स भी हैं और कजन भी हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और आप? मैं क्या करती हैं आप? मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का किया है, तो आजकल मैं फारिगी होती हूँ घर पे, तो बस ये मेरी कज़न आई हुई थी तो इनके साथ आउटिंग के लिए हम लोग आज निकले हुए। ये कहाँ से आई? यूके से आई है। अच्छा, मिस यूके से? जी जी, मैं यूके से आई हूँ। तो लाहौर में ये इनके पास? हाँ जी, मैं इनके पास स्टे करती हूँ। मैरिड हैं आप? नहीं, मैं अनमैरिड हूँ। अच्छा, तो आप क्या करती हैं? मैं यूके में मजिस्ट्रेट हूँ, जज हूँ। माशाल्लाह, जज हैं जी, मजिस्ट्रेट है, तो इंसाफ के तकाजे
भरपूर तरीके से पूरे करती हैं? भरपूर तरीके से पूरे करते हैं, और सबसे ये मेन चीज़ है कि आप अपने डेजिग्नेशन को अपने ओहदे के साथ और आप उसके साथ लॉयल कितने ज़्यादा हैं, इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी एक क्रिटिकल सी सिचुएशन होती है, ठीक है, कि आपने किस तरह से उन चीज़ों को मेंटेन करके, और कहीं कोई आप ऐसी बात या ऐसा डिसीजन ना दे दें जो कि किसी के अगेंस्ट चला जाए। तो कभी कभी ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन होती है जो कि स्ट्रेसफुल होती है। बिल्कुल जी, ऐसी सिचुएशन बिल्कुल होती है। आप क्या करती हैं? मैं टीचर हूँ। माशाल्लाह, पढ़ी लिखी फैमिली है, टीचर हैं, जज हैं और फैशन डिज़ाइनर हैं, तो मेरा दिल तो कर रहा है मैं सवाल पूछूं, तो पूछना भी बनता है वैसे। सवाल कर लूं आपसे? बिल्कुल, शौक से कीजिए जी, शौक से कीजिए। मिस अस्मा, आपके बोलने का जो अंदाज़ है ना, वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसलिए मेरा दिल कर रहा है मैं बार बार आपसे बात करूँ। चलें, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि एक वक्त ये था कि मैं खुद भी जो है वो एंकर मतलब रह चुकी हूँ, इसलिए वो शायद वो चीज़ें, वो सारी बातें जी, वो लहजा वो आ रहा है ना उस तरीके से, वो अंदर से निकल रही है वो। बस वो देखें ना कि आप ज़रा सा फिर वो किसी को पैट करें तो आपके अंदर का टैलेंट जो है वो बोलना शुरू हो जाता है। और एंकर्स तो का तो मुंह वैसे नहीं बंद होता, जब बोलना शुरू होते हैं ना तो उनका दिल करता है वो मज़ीद बोलते रहें। अच्छा, मैं सवाल करती हूँ कि मुझे ये बताएं कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ कोई दरिया ही नहीं है? कौन सा मुल्क है जहाँ कोई दरिया नहीं है? अगर आप ये पूछें कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलता, तो मुझे लगता है कि वो शायद बात मैं बता सकती, लेकिन चले ये पूछ लेते हैं, वो कौन सा मुल्क है जहाँ कोई झूठ नहीं बोलता? ये न्यूजीलैंड। अच्छा, वहाँ पे लोग झूठ नहीं बोलते? नहीं, झूठ नहीं बोलते, और जितनी भी ट्रेड होती है या जो भी होता है वो इस कदर स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं कि किसी को झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं होती। और मैं समझती हूँ कि न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री है कि जहाँ पर जाके आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड और हैप्पीनेस फील करते हैं, कि आपको झूठ बोले बगैर अगर आपके काम हो जाएं, सो हाउ इज़ दैट। ये तो पहले सुना भी था और मालूम भी है कि वो एक बड़ा पुरअमन मुल्क है, लेकिन आज ये भी नॉलेज में इजाफा हो गया है कि वो वहाँ पे झूठ नहीं बोला जाता, तो बहुत अच्छा लगा। कुछ शेयर करना चाहेंगी आप? मैं तो कुछ भी नहीं शेयर करूँगी। कुछ भी नहीं शेयर करना चाहेंगी, आप क्या शेयर करना चाहेंगी? मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, खुद भी मुस्कुराएं और दूसरों को भी लबों पे मुस्कुराहट लेकर आएं। बहुत ही प्यारा मैसेज है कि ज़िंदगी बहुत ही मुख्तसर है, खुद भी मुस्कुराएं और दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट लेकर आएं। बहुत ही अच्छी लेडीज़ थी, बड़ी कोऑपरेटिव थी, मैंने बात की, मुझे अच्छा लगा, मज़ीद लोगों से बात करते। जी मदर हैं और उनका बेटा भी यहाँ पे है, दोनों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइएगा। मरियम। और आपका? जमान। क्या नाम है? जमान। जमान, जमान कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फाइव में। मदर क्या करती हैं आप? मैं हेड नर्स हूँ। नर्स हैं आप मेडिकल में? जी जी। ठीक हो गया, तो सवाल पूछूँ आपसे? पूछ लें। चले, मुझे ये बताएं कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ कोई दरिया ही नहीं है? नो आइडिया। चले, कोई मसला नहीं है। कुछ शेयर करना चाहेंगी आप? मैसेज देना चाहेंगी? आपका जो प्रोफेशन है, जिस पेशे से इनका ताल्लुक है, वो तो बड़ा मोहब्बत और प्यार और बड़ा शफकत वाला पेशा है, ऐसे ही है, तो किस तरह हैंडल करती हैं ये तो बताएं ज़रा देखने वालों। मैसेज ये देना चाहूँगी कि आजकल कोरोना वायरस जो है वो पाकिस्तान में और चाइना में भी है, तो उसके लिए जो सिक्योर हैं सब लोग अपने आप को करें, अगर किसी को फ्लू हो जाता है तो वो अपनी केयर करें और दूसरों से अवॉइड करें। ये वायरस आपने कौन सा बताया? कोरोना वायरस। कौन सा? कोरोना वायरस है जी, उसके लिए वो एहतियाती तदाबीर बता रही थी कि अपनी केयर करें, ये पाकिस्तान में भी है, और हैंड वॉशिंग करें। हैंड वॉश कितनी दफ़ा करते रहें? एवरी टाइम जब आप वॉशरूम जाते हैं, बिफोर ईटिंग, आफ्टर एनी सराउंडिंग। जी बहुत ही अच्छा मैसेज है, बड़ी एक अच्छी एहतियाती तदाबीर है कि एक वायरस है जी, तो आप उससे बचने के लिए यही है हल आपके पास कि आप बार बार अपने हाथ जो हैं वो साफ करते रहें, धोते रहें। बहुत अच्छा लगा बात करके, आगे बढ़ते हैं।
علیکم. وعلیکم السلام. نام بتاؤ بچوں ون بائی ون. عبداللہ حبیب. طاہر. قاسم حبیب. اب دونوں آگے آ جاؤ, تینوں آگے آؤ. آپ کا؟ سعد حمید. آپ کا؟ اسد حمید. اسد حمید. حمید. چلے جی, کرتے کیا, پڑھتے کس کس کلاس میں پڑھتے؟ جی میں سکس میں پڑھتا ہوں. فائیو. میں حفظ کر رہا ہوں سیون کلاس میں. حفظ کر رہے ہیں ماشاء اللہ. چھوٹو آگے آؤ, ڈر کیوں رہے ہو؟ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ تھری. تھری میں. آپ میں سے سب سے زیادہ بولتا کون ہے یہ مجھے بتائیں. اچھا آپ سارے کزن ہیں نا؟ وہ تو لگ بھی رہا ہے. انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں؟ بہت انجوائے کیا. چلے سب سے زیادہ کون بولتا ہے؟ یہ سب سے زیادہ بولتا ہے, ادھر آؤ. وہ کہہ رہے ہیں کیا نام ہے؟ زین. زین سب سے زیادہ بولتا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ زین سناتا کیا ہے. زین کیا سناؤ؟ نعت. نعت سناؤ. چلو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. زین آپ کی آواز بہت ہی خوبصورت ہے. الائچی زیادہ کھاتے ہو؟ جی. بڑی واضح اور بڑی کلیئر آواز ہے. آپ کیا سناؤ گے؟ میں تلاوت سنا دوں گا. کیا سناؤ گے؟ تلاوت. آپ تلاوت سناؤ گے, چلو آؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. دونوں کزن کی آواز بہت ہی اچھی ہے. بہت اچھا لگا بچوں مجھے آپ سے بات کر کے. اور بڑی پیاری جی فیملی نظر آ رہی ہے, ان سے بھی بات کرتے ہیں. لڑکیاں ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام بتائے اپنا. زینب. اور آپ کا؟ حلیمہ حبیب. حلیمہ حبیب. اور آپ کا؟ آمنہ حبیب. آپ کا؟ سعدیہ حفیظ. فاطمہ حبیب. فاطمہ حبیب. بہنیں ہیں دونوں. کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ سکس. فرسٹ ایئر. پری نائنتھ. ایٹ. تھرڈ ایئر. تھرڈ ایئر. اچھا پری نائنتھ میں کون ہے, فرسٹ ایئر میں کون ہے, کیا کر رہی ہیں؟ میں آئی سی ایس فزکس. آئی سی ایس فزکس کی. اور گریجویشن میں کس نے بتایا؟ آپ نے بتایا. کون سے سبجیکٹ ہیں؟ بی ایس سی زولوجی. زولوجی. جی. ماسٹر کس میں کرنا ہے؟ اسی میں. جی انشاءاللہ. چلیں جی, اچھی بات ہے. مجھے یہ بتائیں, میں پہلے سوال کروں آپ سے, سارے پڑھنے والے بچے ہیں, سوال پوچھوں آپ سے, آسان سا سوال پوچھتے ہیں آپ سے, ٹھیک ہے؟ پاکستانی جھنڈے کا جو ڈیزائن تیار کیا تھا وہ کس شخص نے کیا تھا؟ جی ضرور بتائیں. امیر الدین کھدوائی. امیر الدین کھدوائی. کھدوائی. ارے واہ زبردست, بڑی ٹیلنٹڈ ہیں آپ. ایک سیکنڈ سے پہلے میرے سوال کا جواب دیا ہے. کب پڑھا تھا؟ میرے ایسے میں ہیں. آپ کے ایسے میں ہیں, ویری نائس. تو سب سے چھوٹی ہیں نا ان میں آپ؟ سب سے چھوٹی ہیں اور جواب سب سے پہلے دیا ہے. اور مجھے امید نہیں تھی اتنی جلدی جواب مل جائے گا. باقیوں سے بھی سوال پوچھوں. میں دیکھتی ہوں کہ بڑے کتنے ذہین ہیں. بچی چھوٹی تو سب سے بہت ذہین ہے. میں دیکھتی ہوں بڑی آدمیاں کتنی ذہین ہیں. پوچھ لوں وہ کون سا ملک ہے جس میں دریا ہی نہیں ہے؟ دریا ہی نہیں ہے. افغانستان. افغانستان نہیں. افغانستان نہیں ہے. نہیں. سعودیہ بھی نہیں ہے. دبئی بھی نہیں. اب
جو ملک رہ گیا نا ارد گرد اس کا نام بھی لے لیں. بنگلہ دیش کہنے لگی تھی. نہیں نہیں بنگال کہنے لگی تھی. ایران. ایران بھی نہیں ہے. کوئی کسی اور ملک کا نام یاد آ رہا ہے؟ انڈیا. نہیں انڈیا نہیں. کون سا؟ نہیں کوئی نہیں بتا. چلیں کہہ رہی ہیں ہمیں مشاورت کرنے دیں, پہلے سوچنے دیں ہمیں. اب دیکھیں بڑی آپیاں ابھی تک جواب دینے سے قاصر ہیں. مجھے کیا کہو گی؟ کیا فیل ہو رہا ہے؟ کیسا فیل ہو رہا ہے؟ تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہے کیونکہ ابھی. چلے ریلیکس ہو کے بتائیں. سوال چینج کر لیتے ہیں, کوئی اور کر لیتے ہیں, آسان سا کرتے ہیں. چلیں شہد کی مکھی کی آنکھیں کتنی ہوتی ہیں؟ شہد کی مکھی کی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں. یہ نام کیا ہے؟ آمنا کہہ رہی ہے نہیں ہوتی. آمنا آنکھیں نہیں ہوتی شہد کی مکھی. ہوتی ہیں. نہیں سو آنکھیں ہوتی ہیں. نہیں دو ہوتی ہیں. جی دو ہی ہوتی ہیں. جی دو ہی ہوتی ہیں. دو ہی ہوتی ہیں. دیکھا دو ہی. ارے بابا دو نہیں ہوتی. آٹھ. چلے میں آپشن دیتی ہوں. چلے جی ٹھیک ہے, اب آپ نے کنفرم بتانا ہے. ٹھیک ہے میں آپشن دیتی ہوں. دو چار چھ آٹھ. آٹھ چھ آٹھ چار آٹھ. اب میں کس کی سنوں؟ دو چار چھ آٹھ. میرے کانوں میں چار قسم کی آوازیں آ رہی ہیں. چار آمنا کنفرم ہے؟ ہاں جی یقین کے ساتھ کنفرم ہے. اب آگے ایسے نہیں نا, کنفرم ہے. لاک کر دوں؟ کر دیں. ڈن. اگر کوئی مشاورت کرنی ہے تو ابھی کر لو. بتاؤ. آٹھ ہی ہیں. آٹھ ہی ہیں. وہی جواب بالکل درست ہے. چلے اپنے لیے خود ہی کلیپنگ کریں. سب سے پہلے تو چھوٹی کے لیے کریں نا آپ سب, کیونکہ اس نے سوال جو تھا وہ بڑا اچھا, مطلب آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ایک مشکل سوال تھا, لیکن اس نے بہت اچھے سے اور بڑی جلدی جواب دیا. اب آپ آپیوں کے لیے کرو. چلیں جی, بہت پیاری بچیاں تھیں, بہت اچھا لگا مجھے بات کر کے. تھینک یو. جی کچھ پیاری سی خواتین نظر آ رہی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ عائشہ حبیب. اور آپ کا؟ عائشہ معراج. عائشہ حبیب اور عائشہ معراج. آپ کا؟ مس سریا بانو. اور آپ کا؟ کوکب صبا. ماشاء اللہ نام نام تو. اور میں پوچھتی ہوں کہ ریلیشن کیا ہے ان کا آپس میں؟ کیا ریلیشن آپ سب کا؟ دیورانی جٹھانی ہے. آپ دیورانی جٹھانی ہیں؟ اتنا پیار آپ کے درمیان. میں بڑی ہوں, دوسرے نمبر والی یہ ہے, پھر تیسرے نمبر والی, پھر چوتھے نمبر والی. آپ سب سے بڑی ہیں ان میں. ماشاء اللہ بڑی لگ نہیں رہی ہیں, آپ پیاری لگ رہی ہیں. اچھا تھینک یو. نہیں سبھی پیاری لگ رہی ہیں ماشاء اللہ, لیکن وہ آپ بڑی نہیں لگ رہی. چلے تھینک یو. آپ کا کون سا نمبر ہے؟ میرا دوسرا نمبر ہے. آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں ماشاء اللہ. تھینک یو آنٹی, تعریف سن کے اچھا لگتا ہے ویسے. تو یہاں پہ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ یہاں پہ بچوں کو انجوائے کرانے کے لیے. کھانا شانا کھا لیا؟ ہاں جی کھا لیا, گھر سے کھا کے آئے تھے. کھانا گھر سے کھا کے آئے تھے اور یہاں پہ بچوں کو اسپیشلی ہم چاروں فیملیز کا, تو بس وہ چھوٹے بھائی نے کہا کہ آپ چلیں, تو پھر ہم بچوں کو ادھر لے آ رہے ہیں آؤٹنگ کے لیے. ماشاء اللہ. تو ایک بیماری ہے ماشاء اللہ, پانچوں بچے, تین ان کے سب. تو یہ جوائنٹ فیملی ہے, ایک ہی گھر میں رہتے ہیں آپ سارے؟ جوائنٹ فیملی. ہاں جی جوائنٹ. یہ تو بڑا اچھا میسج جائے گا پبلک کو کہ اتنی صلح صفائی. ماشاء اللہ میں نے دو تین دفعہ بول دی ہے. ٹھیک ہے تھینک یو. نہیں ایسی پیار محبت اور ایسا احساس جو ہے وہ جوائنٹ فیملی میں بہت ملتا تو ہے دیکھنے کو, لیکن بہت ریئر ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے. تو کبھی لڑائی ہوتی ہے؟ یہ کیمرے کے سامنے سچ بتا رہا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوئی. کبھی لڑائی نہیں ہوئی؟ ہاں جی کبھی بھی نہیں. ہاں کبھی بھی نہیں. بچے لڑتے ہیں لیکن بچے پھر ویسے ہو جاتے ہیں, لیکن بڑوں میں ایسا کبھی نہیں ہوا. بالکل بچوں کے پیچھے لڑنا بھی نہیں چاہیے. سمجھدار پیرنٹس کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کے پیچھے قطعاً کوئی لڑائی جھگڑا نہ کریں. بہت ماشاء اللہ کیوٹ ہے آپ. تھینک یو آنٹی, اب تو مجھے مزید خوشی ہو رہی ہے سن کے. صحیح آپ بھی بہت پیاری ہیں. تھینک یو.
तो ये जब हम किसी की तारीफ करते हैं, जब ये कहते हैं कि वो अच्छा लग रहा है या वो प्यारा है, तो इससे, बल्कि मैं तो आपको भी ये मशवरा दूंगी कि आपको जब कोई अच्छा लग रहा होता ना, तो आप उसकी तारीफ कर दिया करें इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि तारीफ करने से उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। तो इसमें कोई वो नहीं है, कोई मुजहका नहीं है। आप कोई अच्छा आपको लगता है तो आप पॉजिटिव वे में उसकी तारीफ कर सकते हैं। तो मेरा कॉन्फिडेंस तो मजीद उन्होंने बढ़ा दिया है। मैं मजीद सवाल करूंगी अब। आंटी, क्या कौन सी देवरानी या जेठानी जो है वो सबसे अच्छा खाना बनाती हैं? सभी अच्छा बनाते हैं। कोई एक ऐसी होती है ना जो कहती है कि ये सबसे अच्छा बनाती है? अब तारीफ के मामले में ना कर दे खुला, खाने के मामले में भी नहीं, हम सब अच्छा बना लेती हैं। नहीं, वो बड़ी कह रही है कि ये है, ये तो उनका है ना ख्याल कि मेरे हिसाब से तो सब माशाल्लाह अच्छा बनाती हैं। सब अच्छा बनाती हैं। अच्छा, तो खाने में पसंद क्या है पूरी फैमिली में? सबसे ज्यादा क्या घर में पकता है, बनता है? जवान का बिरयानी ऐसी सौगात है जो सबको पसंद है। हाँ, कढ़ाई भी और बिरयानी भी और चाइनीज भी चलता है। मेरे बच्चे खाते हैं शौक से चाइनीज़, ये भी बहुत अच्छा चाइनीज़ बनाती हैं। तो बस जो बच्चों की फरमाइश से जो हस्बैंड की होती है तो फिर वो मिलके कर लेते हैं हम। माशाल्लाह, तो शादी जो हुई है वो इसी सीक्वेंस के साथ हुई है, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा छुटपुटा, ऐसे ही है। तो माशाल्लाह भाइयों का भी इसी तरह प्यार है, भाइयों का प्यार है तो बीवियों का प्यार नजर आ रहा है। तो है, तो अब मैं ये चाहूंगी, सवाल तो मैं करूंगी नहीं ना, मैं ये चाहूंगी कि एक अच्छा सा, आप तो वो आपको देख के मैसेज तो एक पॉजिटिव जा चुका, अब आप अपनी जुबान से क्या मैसेज देंगे? मैं मैसेज ये दूंगी कि मिलके रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, और कोई भी बात कोई ऐसी है, कोई क्लैश, कोई ऐसी बात ना हो कि क्लैश अगर आए भी तो आप अवॉइड करें कि उसको बढ़ावा ना दें। फिर वैसे ही हो जाना चाहिए कि किसी चीज़ को इस तरह नहीं, उसको मेंटेन रखें फैमिलीज को, बस प्यार मोहब्बत होना चाहिए। बिल्कुल, उनके बात करने का मकसद यही है कि छोटी छोटी बातों पे हाइप क्रिएट ना करें। अगर मामलात कहीं पे आपको नज़र आ रहे हैं बिगड़ते हुए, तो उन्हें हल करने की, सॉल्व करने की भरपूर कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं जी, आप क्या मैसेज देंगी? मेरा भी मैसेज यही है कि छोटी छोटी बातों पे नहीं आपस में लड़ना झगड़ना चाहिए। खासतौर पे बच्चे लड़ते तो उसमें बड़ों का नहीं एक्शन लेना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए और खुद भी मिलके रहना चाहिए एक दूसरे के साथ। बच्चों को समझाना चाहिए, मिलके रहना चाहिए और बच्चों के की बात पे लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज। आप क्या मैसेज? मैं भी यही मैसेज देना चाहूँगी कि हम सबको इकट्ठे मिलके रहना चाहिए। बच्चों की तो लड़ाइयाँ होती रहती हैं, बच्चे फिर एक जैसे हो जाते हैं, तो बड़ों में नहीं होना चाहिए कुछ भी। जी बहुत ज़बरदस्त, आप क्या कहेंगी? काफ़ी देर से खामोश थी, मैं आगे आ नहीं पा रही थी। जी क्या कहेंगी? मैं भी यही मैसेज देना चाहूँगी कि बच्चों की लड़ाइयों पे खुद नहीं लड़ने बैठना चाहिए, बल्कि उनको अवॉइड करना चाहिए और मिलजुल के रहना चाहिए प्यार मोहब्बत से। आजकल की छोटी सी जिंदगी या लड़ाई झगड़े करने से क्या फ़ायदा। बहुत अच्छा मैसेज चारों खवातीन की जानिब से, बड़ा अच्छा मैसेज कि छोटी सी जिंदगी है, इंजॉय करें, लड़ाई झगड़ा छोड़ें। जी अब बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही मेरी उन खवातीन के साथ। आगे बढ़ती हूँ, यंग लेडीज खड़ी हैं, उनसे बात करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताएं अपना। आयशा। आयशा, आपका? लाइबा। लाइबा एंड आयशा, बोथ आर क्यूट एंड नाइस। थैंक यू, आप भी बहुत क्यूट हैं। थैंक यू आयशा। आयशा, यहाँ पे क्या इंजॉय करने के लिए आई हैं? कुछ खा पी लिया है? खाना खाने के लिए, शॉपिंग करने के लिए या क्या? जी बस ऐसे ही, हम वो लाइबा के घर रुके थे तो हमने सोचा कि यहाँ पे वो मॉल देखा नहीं है तो आ जाते हैं। अच्छा, तो मैं सॉरी, मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि रिलेशन क्या है दोनों का। हम कजिन्स हैं। किसकी बेटी हैं? मेरी खाला की। खाला की बेटी? जी। तो आयशा आप लाहौर से ही हैं? जी लाहौर से ही। और लाइबा आप? लाहौर से। लाहौर से ही हैं। कौन किसके पास रहने के लिए आया हुआ? आयशा मेरे घर आई है। आयशा आपके घर आई है? अच्छा, आयशा करती क्या? मैं स्टूडेंट हूँ। किस क्लास की? यूनी में हूँ, मैं थर्ड ईयर में हूँ। थर्ड ईयर में है, यूनिवर्सिटी की तालिबा हैं। लाइबा आप? सेकेंड ईयर कॉलेज। लाइबा सब्जेक्ट कौन से हैं? FSC। प्री मेडिकल है, इंजीनियरिंग? प्री मेडिकल। मेरे जहन में ये चल ही रहा था, यकीनन प्री मेडिकल ही हो गया। ऐसा ही है, अगर 100 में से 90% मैं कह सकती हूँ कि जिन लोगों से बात होती है अगर वो FSC में हैं तो वो प्री मेडिकल की तरफ ही उनका रुझान होता है। तो लाइबा, मुस्तकबिल में प्री मेडिकल है तो क्या डॉक्टर ही बनना है? कोशिश तो यही है बनना है। कोशिश है, पैशन है, क्या है आपका, पैशन या कोशिश? पैशन।
आपका पैशन है। जब आपका प्रोफेशन पैशन होता ना तो वो आप उसमें कामयाब भी हो जाते हैं, और अगर आपका ये वाकई पैशन है तो आप इंशाल्लाह यू विल बिकम अ डॉक्टर इन फ्यूचर। ठीक है, तो लाइबा सॉरी आयशा, आपके सब्जेक्ट कौन से? मैं बिजनेस पढ़ रही हूँ। बिजनेस पढ़ रही हैं, अपना बिजनेस बनाएंगे इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह, तो सवाल पूछ लूँ? पूछ लें, आ जाएगा जवाब शायद। शायद नहीं, मैं आसान सा सवाल पूछूंगी। वो कौन सा मुल्क है जो एक साल में अपनी आज़ादी की सालगिरह दो मरतबा मनाता है, यानी जो इंडिपेंडेंस डे है ना वो दो दफ़ा मनाता है, दो दफ़ा सेलिब्रेट करता है, वो कौन सा मुल्क? अमेरिका? अमेरिका नहीं। ओके यूके? नहीं तो फिर अच्छा एक हिंट देती हूँ, उस मुल्क का नाम लास्ट दिनों काफी बहुत ज्यादा रहा हमारे मुल्क में, घूमता फिरता रहा। अच्छा नहीं लाइबा, कोई मुल्क रह गया वो भी बता दो। चाइना? चाइना वाह। नहीं तो नहीं, इंडिया? नहीं इंडिया भी नहीं है। फिर इर्द गिर्द के एशिया का कोई और मुल्क रह गया वो भी बता दे। भरपूर कोशिश की है दोनों ने लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सकी। चले कोई मसला नहीं है, सवाल जवाब तो होते रहेंगे। लाइबा शेयर क्या करना चाहेंगे? आशा मैं क्या शेयर करना चाहूँगी? ऑडियंस को मैसेज क्या दें? के आई गेस सारे आई थिंक क्वालिटीज में से काइंडनेस सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट जी आप? यस मेरा भी यही काइंडनेस। अपने मुंह से बोल के बताएं उसको, उसको फॉलो करके कह रही है मेरा भी यही है, मुझे बोलने की जहमत ही ना करना पड़े। बस मेरा तो ये है कि वो पेरेंट्स का ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि आजकल बहुत वो होता है कि पेरेंट्स का नहीं रखते ज़्यादा लोग। अच्छा बड़ा अच्छा मैसेज है कि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखते तो उन्हें ख्याल रखना चाहिए। अच्छा लगा, अच्छी लेडी थी, बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके। आगे बढ़ते जी, तो एक और बड़ी प्यारी सी फैमिली खुश गप्पियों में मसरूफ है, तो मेरा दिल चाह रहा है कि उनके पास जाके बैठा जाए और उनसे बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो ये बताएं। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। नाम क्या आपका? नूर। और आप? सालेहा खुश। आप? रीवा। अताशा। क्या नाम है आप? अताशा। बहुत प्यारा नाम है। और आप? हलीमा। रमेशा। साहब मुझे ये बताएं कि सबका रिलेशन क्या है? मदर ऑल डॉटर्स। माशाल्लाह, ये आपकी बेटियां हैं? माशाल्लाह बेटियां ही होती हैं जी, और हम इनकी कजन से खाला की बेटियां और ये तीनों इनकी अपनी बेटियां। माशाल्लाह, नहीं उनकी बात तो बहुत ही अच्छी है कि ये सारी मेरी बेटियां हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सुन के भी मुझे अच्छा लगा। क्या करती हैं आप? मैं करंटली मास्टर कर रही हूँ फ्रॉम चाइना and now I'm on vacation in Pakistan. अच्छा, तो ये चाइना किसमें स्टडी किसमें कर रही हैं? मास्टर इन बायोलॉजी फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ शियान। अच्छा जी, इस पे तो अभी बात करते हैं, पहले बच्चों से बात कर लेते हैं। ठीक है, आप क्या करती हैं? मैं टेंथ में हूँ। टेंथ में है, मैट्रिक साइंस है आर्ट्स? साइंस। साइंस सब्जेक्ट के साथ। और आप? मेरे एम फिल कम्प्लीट किया है एंटोमोलॉजी में। एम फिल कम्प्लीट हो गया है? एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट है। आप कर रही हैं प्रैक्टिस? अभी मेरा कंप्लीट हुआ है, अब आगे जॉब के लिए देखूंगी। जॉब के लिए आगे देखेंगी जी, एमफिल कंप्लीट कर चुकी हैं। अब मैं साहब क्या करती हैं? मैं मिस सी हूँ, आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर जी, किस किस लेवल को पढ़ाती हैं? मैं जूनियर सेक्शन को पढ़ाती हूँ और मेरा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है। तो मास्टर आपका इंग्लिश में होगा? यस ही है, आई एम अ रावियन अल्हम्दुलिल्लाह। रावियन से मास्टर किया हुआ है? ऑल रावियन जी सी से। हाँ जी ऑल ड्रावियन जी। नहीं हूँ, मिडवे। आप लग भी नहीं रही। सही, अपने आप को बिल्कुल फिट रखा हो। शुक्रिया बहुत बहुत। इसका राज क्या है? कोट का कमाल है। कोट का कमाल है। नहीं वैसे भी तो राज होते हैं ना, आप अपने आप को फिट रखने की है। वर्किंग है, बच्चों के पीछे भागते रहते हैं, मॉर्निंग में काम होता है, इवनिंग में भी बच्चों के पीछे पीछे। नहीं तो गवर्नमेंट टीचर है या प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाते हैं? मैं सेमी गवर्नमेंट, नाम खुद नहीं ले रही जाहिर है, तो सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसमें मैं टीचर हूँ। कौन सी उस्तानी है?
سخت مزاج والی مجھے تو جو مجھے دیکھ کے لگ رہا ہے مجھے تو خوش مزاج اور بڑی پولائٹ سی استاد لگ رہی ہیں بتاتی ہوں جیسے ماؤں کے ہر شیڈ ہوتا ہے نا ہر طرح کا ہوتا ہے اور ٹیچر از آلسو لائک اے اسپریچول پیرنٹ اس کو پیار محبت سے بھی ڈیل کرنا چاہیے اور جہاں سختی ہو کچھ بچوں کے لیے وہ بھی کرنی چاہیے کیونکہ آپ اگر بالکل ہی سافٹ ہو جاؤ گے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور اگر بہت اسٹرکٹ ہو جاؤ گے تو لوگ بچے آپ سے ویسے ہی ڈریں گے جی بچے میرے خیال ایک بیلنس ہونا چاہیے بچوں اب وہ زمانہ ہے آپ کو اپنی بات تھوڑی منطق سے لاجک سے پیار سے اور کچھ بچے جو پیار کو بالکل نہیں سمجھتے ان کے لیے پھر ہم کچھ اس طرح سے کچھ سائیکولوجیکل ویز ایسے ڈھونڈتے ہیں جس سے کہ بچہ جو ہے نا آپ کی طرف خود ہی اٹریکٹ ہو کہ آپ کی بات وہ مانے اس کے بغیر اس کا گزارا نہ ہو تو اس میں بھی پیار کا آنسر ہی نظر آ رہا ہوگا نا اس میں ٹیچر کبھی کبھار ہوتا ہے میں ایسے کہوں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ اتنا زیادہ تنگ کرتا ہے ریپیٹڈلی ہاں جی تو پھر کیا ہوتا ہے ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ بچے بہت تنگ کرتے ہیں تو پھر ٹیچرز کا اگر مارنا بھی نہیں ہے بچوں کا یہ اداروں کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے اور ایسا ہے بھی کہ آپ نے بچوں کو مارنا بھی نہیں ہے اور بچوں کو پیار کرنا ہے مارنا نہیں ہے اور اس کے بعد آپ کو رزلٹ بھی جو ہے وہ 100% چاہیے ادارے کو رزلٹ 100% چاہیے لیکن بچے کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے تو پھر استاد کرے کیا اس کے دو طریقے جو میں پریکٹس کرتی ہوں نمبر ون یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو نا میں بیگ میں سویٹس اور اس طرح کی چیزیں چھوٹی چھوٹی رکھتی ہوں ریوارڈ ٹھیک ہے بیہیویئر پہ ریوارڈ بھی ہوتا ہے اور کام پہ بھی ریوارڈ ہوتا ہے سم ٹائمز یہ ہوتا ہے بہت ٹاپر بچہ ہوتا ہے لیکن انتہائی بدتمیز ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو بیسٹ کمبینیشن کسی انسان میں ہو سکتا ہے نا وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سارٹ آف آل راؤنڈر ہو تمیزدار بھی ہو پڑھنے والا بھی ہو تو ہم ان کے لیے کرتے ہیں کچھ ریوارڈ رکھتے ہیں تو جب دو بچوں کو ملتی ہیں کچھ چیزیں کھانے پینے کی ایز اے گفٹ کافی تو بچے گھر سے بھی لیتے ہیں لے کے بھی آتے ہیں لیکن ٹیچر سے اس کو ریسیو کرنا ایز اے گفٹ وہ ان کے لیے ایک آنر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں موسٹلی جب سیشن اسٹارٹ ہوتا ہے تو میں چونکہ جونیئر سیکشن کو ڈیل کرتی ہوں میرے بیگ از فل آف سویٹس تو ایک تو طریقہ یہ ہے اور بچوں کو یہ بیہیویئر سم ٹائمز بہت عجیب لگتا ہے اسٹرینج لگتا ہے ان کے لیے نیو ہوتا ہے کہ کوئی ٹیچر ہے وہ روز بیگ میں سویٹس رکھ کے لا رہا ہے اب دیکھیں تین سیکشنز آپ لیتے ہیں تو 120 سویٹس آپ کے بیگ میں ہونی چاہیے تو شروع میں ان بچوں کو اس طرح اور پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ بہت زیادہ رف راؤڈی ہے تو ہم اس کے پیرنٹس کو فون کرتے ہیں ان سے کاؤنسل کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کا بچہ اس طرح تو پھر وہ کہیں نہ کہیں بچہ قابو آئی پھر وہ کہیں نہ کہیں آپ کو یہ اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ اگر وہ بہت تنگ کرے تو آپ ایک دو لگا سکتے ہیں ایکچولی کچھ پیرنٹس جو بالکل دیسی پیرنٹس ہیں پرانے وقتوں کے حساب کے وہ کہتے ہیں مس جی بچہ تڑ ہے انہیں تو سکھا لا دو انہوں بس اچھا بنا دو لیکن ہم ظاہر ہے اس پر نہیں جاتے لیکن ہم بچے کو ڈراوا ضرور دیتے ہیں کہ آپ کی چھوٹے بچے ہیں نا آپ کی چھٹی بند کر دیں گے آپ کو 10 منٹ میں تو کہتی ہوں جب وہ آف ٹائم ہوتا ہے اور ہم انہیں کہتے ہیں نا بس یہ دو بچے کھڑے رہیں باقی سب اب جائیں گے وہیں سے یہ بالکل بچوں کے لیے یہ ڈراوا جو ہے نا یہ بھی یہ بہت بڑا ہوتا ہے کہ چھٹی بند کر دی جائے گی آپ کو آپ کی بریک بند کر دی جائے گی تو یہ اگر ڈر ہے تو یہ بھی بہت ہوتا ہے بچوں کے لیے لیکن یہ اچھے ٹیچر ہیں جی بچوں کے لیے سویٹ بھی رکھی ہوتی ہیں بیگ میں تو جب پوری لائن چلی جاتی ہے پھر ان دو بدتمیز بچوں کو ساتھ پیچھے کھڑا کر کے ان کے ساتھ اترتے ہیں وہ وعدے کرتے ہیں اور ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم پھر اکٹھے اترتے ہیں جی بالکل ایسے ہی ہے کین آئی آسک یو کوسچن ناؤ یو آر آسکنگ می سو مینی کوسچنز آئی ایم آنسرنگ اوکے جی سو ٹیل می وچ از دا لارجسٹ ریور ان دا ورلڈ لانگیسٹ ریور از ریور نائل ایجپٹ میں ہے وہ ہے سب سے لمبا اینڈ لارجسٹ کانٹیننٹ ان دا ورلڈ لارجسٹ کانٹیننٹ ہمارا ایشیا بالکل جی استاد ہے نا تو یہ پھر جواب تو اچھا لگا جی آپ نے جواب بھی بالکل صحیح دیا پڑھی لکھی خاتون تھی اور بچوں سے کچھ سننا چاہ رہی ہوں میں کیا سنائیں گی سامنے آ کے سناؤ ٹھیک ہے جی تو حلیمہ جو ہیں وہ ایک ٹیچر کی بیٹی ہیں تو اب دیکھتے ہیں ہمیں کیا سناتی ہے حلیمہ کیا سناؤ گی کون سی پوئم سنانے چاہ رہی ہو ٹوئنکل 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 چلو سنا دو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر اپ ابو دا ورلڈ سو ہائی اے ڈائمنڈ ان دا اسکائی جی بہت اچھا سنایا ماما نے بھرپور ساتھ دیا آپ کا بہت اچھی فیملی مجھے اچھا لگا ان سے بات کر کے بھی چلے جی آگے بڑھتے ہیں
जी नाज़रीन, तो प्रोग्राम का वक्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा, आपने इंजॉय किया होगा। डिफरेंट फैमिली से मैंने बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ी कोऑपरेटिव सी फैमिली थी। और मैंने आपसे प्रोग्राम के आगाज़ में ये बात की थी कि मैं आपको सवालों के जवाब ज़रूर बताऊँगी। तो जनाब, मैंने पूछा था कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ कोई दरिया नहीं है, तो उस मुल्क का नाम है कुवैत। और शहद की मक्खी की 8 आंखें होती हैं। इसके अलावा मैंने सवाल पूछा था कि उस मुल्क का नाम मुझे बताएं जो अपनी जो इंडिपेंडेंस डे है वो एक साल में 2 दफ़ा मनाता है, तो उस मुल्क का नाम है पनामा। वो अपनी सालगिरह 2 दफ़ा मनाता है, एक मरतबा 3 नवंबर और दूसरी बार जब वो मनाता है तो 28 नवंबर को। इसके अलावा मैंने आपसे सवाल लोगों से किया था कि पाकिस्तानी झंडे का जो डिज़ाइन बनवाया था वो किसने तैयार किया था, तो एक छोटी सी बच्ची ने मुझे उसका जवाब भी दे दिया था, सैयद अमीरुद्दीन जो थे उन्होंने पाकिस्तानी झंडे का डिज़ाइन बनवाया था। इसके साथ ही अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान मिसबा सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगेबान, देखते रहिए देखो और जीतो।